तो दोस्तों एक ब्रो ने सवाल करा है कि स्कारलेट विच और थोर के अंदर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो उन ब्रो को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्वल के फैन है तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्वल के फैन अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों अगर आपने सवाल करा तो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, स्कारलेट विच या थोर। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वांडा यानी स्कारलेट विच की पावर्स के बारे में। तो स्कारलेट विच को पावर डार्क होल्ड से मिली है जो कि चितौन ने लिखी थी, और डार्क होल्ड की ऐसी बुक है जिसको यूज करने वाला भी श्रापित हो जाता है, और स्कारलेट विच को पावर डार्क होल्ड से ही मिलती है। जब भी तुमने स्कारलेट विच को अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां पर उसने लगभग सारे इल्यूमिनाटिस के मेंबर को मार दिया था, और तो और डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के अंदर ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर भारी पड़ गई थी। लेकिन सवाल तो दोस्तों वही, क्या स्कारलेट विच थोर को हरा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, स्कारलेट विच थोर को नहीं हरा सकती। और इसके भी दो तीन रीजन मैं आपको बता देता हूँ आखिर क्यों स्कारलेट विच थोर को नहीं हरा सकती। तो रीजन नंबर वन, थोर एक गॉड है और स्कारलेट विच गॉड नहीं है। और गॉड के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि गॉड कितने पावरफुल होते हैं, और जबकि थोर एक एस्गार्डियन गॉड है तो उसकी एज के साथ उसकी पावर भी बढ़ती जाती है। और रीजन नंबर दो भी पावर सी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि स्कारलेट विच को पावर डार्क होल से मिलती है, और डार्क होल को लिखने वाला चितौन है, और थोर चितौन को भी हरा सकता है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों स्कारलेट विच थोर को नहीं हरा सकती। तो फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल के ऊपर नए आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आपको छोटी बड़ी जानकारी इस चैनल के ऊपर मिलती रहे।